तो हाय गाइस, हम आ गए हैं वापस फिर से एक गजब के वीडियो के साथ। तो गाइस, आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं रैंडम बूस्टर वॉल्यूम 2 का एक और भी। वैसे हम ज्यादातर अनबॉक्स कर चुके हैं और मुझे याद नहीं मैंने कितने अनबॉक्स कर लिए। शायद एक सेरामेंडा अनबॉक्स कर चुका हूं, एक ग्रिफ अनबॉक्स कर चुका हूं, गार्गोयल अनबॉक्स कर चुका हूं, रिवाइजर अनबॉक्स कर चुका हूं। तो यस गाइस, मोस्ट ऑफ द बेस अनबॉक्स कर चुके हैं और फिर से इसी में से कोई एक और भी अनबॉक्स करने वाले हैं। तो काफी ज्यादा आने वाला है मजा। और गाइस, मैं हूं बहुत ज्यादा एक्साइटेड क्योंकि मुझे लग रहा है इसमें कुछ गजब के पार्ट्स निकलने वाले हैं। तो अगर आप भी एक्साइटेड हो तो इस चैनल को मारो फटाक से सब्सक्राइब, क्योंकि अमेजिंग वीडियो कहां पे आते हैं इधर पे। तो यस गाइस, हम इसको अनबॉक्स करते हैं, तब तक आप सब्सक्राइब लाइक वगैरह कर देख लो। तो चलो गाइस, बिना किसी देरी के फटाक से खोलते हैं इस बॉक्स को और देखते हैं हमें यहां पे क्या मिलता है। ओके गाइस, तो चलो खोलते हैं इस बॉक्स को। तो हाय गाइस, हमने अनबॉक्स कर लिया है अपना बे और मैं आपको पास से दिखा देता हूँ गाइस। तो गाइस, ये हमारा बैंडेड ओरोजिया और इसके साथ गाइस हमें ट्रैक मिलता है 160 और टिप मिलती है WSF। तो WSF एक बहुत ही खास टिप है गाइस, क्योंकि ये गाइस आर्चर गार्गोइल के लिए बनाई गई थी और ये रैंडम बूस्टर में इसे दी गई थी क्योंकि आप इसे गार्जियन गार्गोइल के साथ यूज कर सको। तो यस गाइस, ये काफी खास पार्ट है। वैसे इसके स्टॉक कॉम्बो के साथ बॉल टिप आती है एक प्रकार की, आई थिंक JB या SB, और ट्रैक आई थिंक गाइस 145 या 140 आता है। तो यस गाइस, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का कॉम्बो है तो मुझे नहीं पता कैसा परफॉर्म करने वाला है। काफी अग्रेसिव तो होने वाला है फॉर श्योर, तो ये अग्रेसिव कॉम्बो होगा लेकिन मजा आने वाला है गाइस। एक डिफेंसिव टाइप के बे को एक अग्रेसिव फॉर्म में देखने में अच्छा लगेगा। और गाइस, इसमें जो ये नीचे रिंग है एनर्जी व्हील वाला, ये है शिनोबी का। तो यस गाइस, ये बन जाता है शिनोबी ओरोजिया 160 WSF। तो यस गाइस, काफी अच्छा बे है, काफी मजा आने वाला है। तो मैं तो तैयार हूं उसको टेस्ट करने के लिए। फटाक से लाते हैं स्टेडियम, इसको करते हैं टेस्ट स्पिन और टेस्ट बैटल, देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है ये बे। तो हाय गाइस, अपना स्टेडियम हो गया है सेटअप और हम तैयार हैं टेस्ट स्पिन के लिए। और पहली बात ये अग्रेसिव होने वाला, तो करते हैं गाइस। और ये थोड़ा सा गलत लॉन्च हो गया है बट फिर भी अच्छा था, काफी एंगल लॉन्च। और गाइस ये देखिए, ये है अग्रेशन, काफी हद तक मुझे गार्जियन गार्गोइल की याद दिलाता है क्योंकि टिप तो गाइस उसी की है। और गार्जियन गार्गोइल नहीं बोलना चाहिए, आर्चर गार्गोइल बोलना चाहिए। तो गाइस, ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी अच्छा जा रहा है। तो फटाक से बैटल स्टार्ट करते हैं। पहली बैटल करते हैं गाइस रिवाइजर के साथ। तो गाइस, मुझे पता है ये भी काफी ओपी होने वाला है, तो देखते हैं कितना ओपी होने वाला गाइस ये। और गाइस, आते ही आते वो रिवाइजर की धुलाई करनी चालू कर दी गाइस ओरोजिया ने। तो गाइस, ये बे काफ़ी सही परफॉर्म कर रहा है मेरे हिसाब से और रिवाइजर की अच्छी खासी धुलाई हो गई गाइस। तो बहुत बुरी तरीके से हारा है रिवाइजर। एक बार और ट्राई करेंगे गाइस फटाक से, देखते हैं क्या ये बार बार पॉसिबल है कि नहीं। और ये क्वाड लेवल्स वाला स्टेडियम, आप लोग बताओ कैसा लगता है, क्योंकि इसमें बे काफ़ी अच्छे से, मुझे लगता है यार मेटल की बैटल काफ़ी अच्छे से होती है और इसमें बे ज़्यादा बाहर नहीं जाता तो मुझे भी बार बार ढूंढ के लाना नहीं पड़ता है। स्टेडियम आउट इसमें ज़रूर होते हैं अगर बे टॉपल करके निकल जाते हैं, क्योंकि ये बाउंड्री इतनी भी ऊंची नहीं है। तो गाइस, बड़ी आसानी से जीत गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट बैटल गाइस इफ्रित के साथ, आई थिंक इफ्रित से भी जीत जाएगा गाइस शायद, लेकिन गाइस इफ्रित भी कोई कमज़ोर बे तो है नहीं कितनी आसानी से हार जाए। तो चलो गाइस, देखते हैं कि क्या इफ्रित से जीत पाएगा। और मुझे लग रहा है कि बैटल ऑफ स्टेमिना हुई तो गाइस इसके जीतने का चांस है काफ़ी अच्छे से, लेकिन ड्रॉ भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं गाइस। और जीत गया गाइस इफ्रित से, क्या बात है। एक ट्राई और मारते हैं गाइस फटाक से। और बाहर जाते जाते बचा है, थोड़ा सा गड़बड़ लॉन्च हो गया मेरा। और इफ्रित भी गाइस कुछ इफ्रित ने भी गाइस कच्ची गोलियां नहीं खेली, धुलाई कर दी इस बार उसकी। तो यस, अच्छा बे है लेकिन गाइस इफ्रित बहुत खतरनाक बे है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट 0G का बे है, तो इससे जीतना इतना भी आसान नहीं है। अब गाइस आता है मेरा प्यारा दुलारा बजरकर बहीमत। तो यस गाइस, ये स्टेमिना में मेरे हिसाब से 0G में काफी कमाल का है। तो चलो गाइस, देखते हैं इसको हरा पाएगा कि नहीं। इसको हरा दिया तो भाई मजा आ जाएगा, क्योंकि इसको हराना आसान नहीं गाइस। और आते ही आते दो कमाल के हिट्स, और देखते हैं क्या तीसरा हिट भी मिल पाएगा, क्योंकि तीसरा हिट अगर नहीं किया तो गाइस बजरका बहिमत के स्टेमिना में अभी तक तो कोई कमी आई नहीं है, और हिट नहीं करेंगे तो हार जाएंगे, सीधी सी बात है। अभी तक कोई भी हिट नहीं और ये बहुत ही ख़राब बात है। और अब हमें लग रहा है काफ़ी देर हो चुका है हिट करने में, इन लोगों ने काफ़ी देर कर दी गाइस। लेकिन गाइस कुछ भी हो सकता है, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन गाइस आखिरी में बजरका बहिमत जीत गया। तो गाइस बजरका बहिमत की बात ही अलग है यार, ये नेक्स्ट लेवल स्टेमिना टाइप है गाइस। और गाइस क्या हिट दिया, एकदम तकड़ा। और अभी हिट देना पड़ेगा ना, बात बनेगी नहीं। बजरका बहिमत सेंटर में अपना लगा हुआ है। तो गाइस मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये बजरका बहिमत उसके पकड़ से बाहर निकल जा रहा है, इस वजह से बात बन नहीं रही है। लेकिन मैं ये क्या देख रहा हूँ कि लग रहा है इस बार जीत सकता हूँ। क्या बात है गाइस, हरा दिया यार। तो गाइस ये एक्सपेक्टेड नहीं था। तो यस, कहीं ना कहीं ये कॉम्बो काफ़ी अच्छा कर रहा है मेरे हिसाब से। अब गाइस
ये लास्ट बे हमने अनबॉक्स किया था ये बहुत ओपी बे था, इसको देखते हैं हरा पाएगा कि नहीं, क्योंकि इस बे ने लगभग ज़्यादातर मेरे जियो जी स्कोर आ चुका है गाइस। तो गाइस ये ओरो किलर का कॉम्बो देखते हैं ओरोजिया को हरा पाएगा कि नहीं। और गाइस ये पता नहीं क्या कर रहा है ओरोजिया, ऐसे करेगा तो हार जाएगा गाइस। ये बहुत ही गलत चीज़ हो रही है गाइस, देखते हैं गाइस क्या होता है। और अच्छा अटैक किया है, काफ़ी अच्छा बैटल किया है, काफ़ी हद तक ले गया है, तो मैं इसको पूरी तरीके से हार नहीं मानूंगा क्योंकि इसके बाद डिफेंस टैक्टिक है तो ऑब्वियसली उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। ओवरऑल अच्छा बैटल गाइस, एक लास्ट ट्राई और मारेंगे इसके साथ। और गाइस क्या अटैक किया, दो अच्छे अच्छे हिट्स, लेकिन फिर वही पाथ खो देता है। तो यही कुछ अपनी थोड़ी सी दिक्कत है कि गाइस सेंटर में पहुंचने में दिक्कत होती है, और ये भी डाइवर्टर से होने के बावजूद भी काम नहीं बन रहा है, फिर भी हिट्स अच्छे दे रहा है। और ओवरऑल गाइस मैं तो इस ओरोजिया से सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है यार ये बे, मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक है गाइस। और बहुत लोगों ने मुझे याद है बोला था किलरकन लाओ किलरकन लाओ, तो ले आ गया भाई किलरकन, कुछ ज़्यादा ही ओपी निकल गया। अब गाइस एक लास्ट बे से और करते हैं फिर धीरे से वीडियो एंड करेंगे। तो यस गाइस वो लास्ट बे होने वाला है अपना पेगासस, तो पेगासस से यार जीतना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, देखते हैं पेगासस से जीत पाएगा कि नहीं। पेगासस सीधा उड़ा देता है गाइस बेस को स्टेडियम से, और ऐसा कर चुका है पेगासस पहले भी, और लग रहा है पेगासस तो स्टेमिना से ही जीत जाएगा भाई। और गाइस लग रहा है वही होगा, स्टेमिना बैटल बन गया है, लेकिन फिर भी ओरोजिया जीत गया। तो ओरोजिया भी गाइस कम नहीं है, कमाल की बात है यार। एक ट्राई और मारेंगे गाइस फिर वीडियो एंड करते हैं। तो इसमें एक चीज़ है गाइस, बेस एक दूसरे को ज़्यादा चेज निकलते हैं, क्या धुलाई कर रहा है गाइस पेगासस। लग रहा है इस बार पेगासस जीतेगा गाइस, यार पेगासस की बात ही अलग है गाइस, काफ़ी ज़्यादा पिटाई की इसने पेगासस ने इसकी, भले ये जीत ना पाए लेकिन आप पेगासस ने पिटाई बहुत की। तो गाइस ये काफ़ी ओपी बेब्लेड है, पेगासस को भी जीतने में दिक्कत हो रहा है, तो ओवरऑल मैं सेटिस्फाइड हूँ, आप बताना आपको क्या लगता है। तो यस गाइस आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे फिर किसी वीडियो में फिर किसी दिन, तब तक के लिए स्टे सेफ और हैप्पी ब्लीडिंग।